हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपके अपने यूट्यूब चैनल के टी ट्रेवल्स एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, टाइटल देख के तो आप सबको पता लग गया होगा कि इस टाइम हम किसके ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं और मैं आपको आज का ब्लॉग किसके ऊपर दिखाने वाला हूँ। सामने एक व्यू देख लो फटाफट से उम्मेद पैलेस का। और यार भाई, सच में ये पैलेस इतना 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 सुंदर है ना, इतना ब्यूटीफुल है, मतलब जब आप खुद देखोगे ना तब आपको पता लगेगा। बाकी कैमरा तो यार बस कोशिश कर सकता है इसको दिखाने की और इसकी सुंदरता आपको बताने की। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि अपना उम्मेद पैलेस कहाँ पे है और इसकी लोकेशन आपको बता देते हैं। वो गाइस बात है ऐसी, दुनिया में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में राजस्थान है, राजस्थान में एक सिटी है जोधपुर जो कि अपने आप में काफ़ी प्यारी है, और जोधपुर के अंदर है अपना उम्मेद पैलेस। अब गाइज अब आप सामने की तरफ देख सकते हैं बहुत प्यारा ब्यूटीफुल सा गार्डन, और ये उम्मेद पैलेस का एंट्री गेट है जहाँ से विजिटरों की एंट्री होती है जो अपना डेली बेसिस पर आते हैं और उम्मेद पैलेस की छोटी सी खूबसूरत सी झलक देख के वापस चले जाते हैं। और जो आप सामने देख रहे हैं गाइज, वो है गेस्ट हाउस जैसे, जहाँ पे गेस्ट वगैरह रुकते हैं ना, बट वहाँ पे हम नॉर्मल टिकट से विजिट नहीं कर सकते, वहाँ पे अलाउ नहीं होता। तो आप ये सामने छोटा सा गेट देख रहे हैं, ये है हमारा एंट्री पॉइंट, बिकॉज गाइज उम्मेद पैलेस आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नॉट अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो फटाफट से आपको अंदर लेके चलते हैं और उम्मेद पैलेस की कुछ झलक आपको दिखाते हैं। तो हम जैसे उम्मीद पैलेस के अंदर यहाँ से एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते के साइड गाइज आप जैसे देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा म्यूज़ियम है। यहाँ पर यार इनके जो वंशज हैं, पूर्वज हैं ना, उनकी सबकी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं। और यार इनको मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी बस शूट करा था, मेरा भी उस टाइम शूटिंग पे ध्यान था। और बाकी आप देख सकते हैं ये सब फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो यहाँ की मतलब फैमिली थी इनकी, जो रॉयल्स फैमिली के मेम्बर थे ना, उन सब के है। बाकी डिटेल में मुझे इतनी डीपली नॉलेज नहीं है कि मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर वो सब दे सकता हूँ।
सामने आप देख सकते हैं ये हमारे अंकल जी खड़े हैं जो गाइड का भी यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जॉब भी करते हैं तो इनको यहाँ की ना डिटेल में नॉलेज होती है, और जो रॉयल फैमिली के बारे में है वो सारी डिटेल यही देते हैं मुझे। देख सकते हैं आप इनकी ना बड़ी अच्छी लग रही हैं। चलो अब आगे चलते हैं, अब तो अपना ब्लॉग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ना यार इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं गाइड लूँ, क्योंकि अगर गाइड आप लेते हैं तो कम से कम आपके 3-4 घंटे लगते हैं इस पार्ट को कवर करने के लिए। ओके गाइस, हाँ जी दोस्तों, तो चलिए मैं अब आपसे परमिशन चाहूँगा, क्योंकि व्लॉग में आप ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकता, 7-8 मिनट का व्लॉग काफ़ी हो जाता है। और बाकी उमेद पैलेस का जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपको रॉयल्स फैमिली की रॉयल्स कार दिखाऊंगा जो काफ़ी पुरानी पुरानी है और रॉयल्स रॉयल वगैरह हैं, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना गाइस, थैंक यू, राम राम, जय हिंद, जय भारत।